हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस पर। आज मैं फिर आप सबके लिए बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉब की अपडेट लेके आ गया हूँ जो आप सबके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। आप में से जो लोग भी इस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, आई एम प्रीटी मच श्योर दैट आप इस जॉब को क्रैक कर लेंगे, क्योंकि पेपर्स ठीक ठाक बन रहे हैं, अच्छे बन रहे हैं अभी इस टाइम पे। तो फॉर श्योर आप जब टेस्ट में जाएंगे आप इन पेपर्स को क्रैक कर लेंगे और अपनी ड्रीम जॉब को जल्द से जल्द सिक्योर कर लेंगे। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ दो बड़ी कंपनीज के बारे में। फर्स्ट कंपनी है आकाश बायजूस, जिनको हम एडटेक जाइंट्स बोलते हैं, और सेकेंड कंपनी, आज बहुत दिन बाद वी हैव जस्ट मेड अ वीडियो ऑफ अ कंपनी कॉल्ड रेजोनेंस। रेजोनेंस में बहुत टाइम से वैकेंसीज आ रही थी बट जो वैकेंसीज थी वो इररेगुलर थी, सो अब दे हैव स्टार्टेड टू पोस्ट रेगुलर वैकेंसीज। सो आज हम बात करने वाले हैं रेजोनेंस की एक अमेजिंग वैकेंसीज के बारे में। बहुत लोग मुझे बोल रहे थे कि सर जो आप वैकेंसीज लेके आ रहे हैं वो क्लास 9-10 की होती है, 11-12 की होती है, बट वॉट इफ वी वॉन्ट टू टीच प्री नर्चर क्लासेस, प्री फाउंडेशन क्लासेस, क्लास 5 टू क्लास 10। तो आप सबके लिए इस वीडियो में बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो वैकेंसी आज हम लेके आए हैं दैट इज फॉर 9-10, 11-12, एंड ऑल्सो वी हैव एडेड द वैकेंसी फॉर क्लास 5 टू क्लास 10। तो जो लोग भी ये चाहते हैं कि हम प्री नर्चर क्लास को पढ़ाएं क्लास 5 से क्लास 10 तक, आपके लिए भी ऑप्शंस है, और जो लोग ये चाहते हैं कि हम क्लास 9-10 को पढ़ाएं, 11-12 को पढ़ाएं, सो आपके लिए भी खुशखबरी है, आपके लिए भी इस जॉब पोस्ट में ऑप्शन है। सो प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिएगा आप, एंड वीडियो को एंड तक देखिएगा। आई विल एक्सप्लेन यू एवरी सिंगल प्रोसेस कि जिसको भी इसके लिए अप्लाई करना है उनको क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे, क्या फॉर्म्स भरने पड़ेंगे, कैसे अप्लाई करना है। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, जैसे आप हमको सपोर्ट कर रहे हैं, हमको पसंद कर रहे हैं, हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, इस वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बिकॉज एवरी डे वी पोस्ट न्यू वीडियोस जो आपको बहुत हेल्प करने वाली है आपकी ड्रीम जॉब सिक्योर करने के लिए। सो आइए देखते हैं क्या अपडेट्स है आपकी और कैसे आप उन अपडेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस सबसे पहली जॉब जो आपके सामने है वो है आकाश बायजूस में। जी हाँ, आकाश बायजूस में मेगा वॉक इन ड्राइव हो रही है आप सबके लिए। जिन लोगों ने पिछले कुछ दिनों में आकाश बायजूस के ऑप्शन मिस कर दिए हो, वॉक इन ड्राइव मिस कर दी हो, टेंशन की कोई बात नहीं है, अगेन यू हैव अ फेयर चांस टू अटेंड द वॉक इन ड्राइव ऑफ आकाश बायजूस। यहाँ पे जो ये हायरिंग कर रहे हैं ये दो विंग के लिए कर रहे हैं, मेडिकल और इंजीनियरिंग। एज यू नो मेडिकल में सब्जेक्ट्स होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बॉटनी, एंड इंजीनियरिंग में यू हैव फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। एक्सपीरियंस जो ये मांग रहे हैं दैट इज 2+ ईयर्स। एज आई ऑलवेज से इन माई वीडियोज, इफ यू हैव लोकल कोचिंग का एक्सपीरियंस या होम ट्यूशन का एक्सपीरियंस दैट विल वर्क फाइन, आप उसके बिहाफ पे इसके लिए डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, कोई हसल नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगेन यहाँ पे रिटन टेस्ट भी होगा आपका और डेमो भी होगा, बट एज आई ऑलवेज मैंशन कि टेस्ट देना उस दिन वॉक इन ड्राइव के दिन कंपल्सरी होता है, बट डेमो के लिए इफ यू आर नॉट रेडी, इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, आप उनसे टाइम मांग सकते हैं, 1 वीक टाइम मिल जाता है आपको, बिकॉज डेमो और इंटरव्यू साथ में ही होता है, सो यू शुड अटेंड डेमो एंड इंटरव्यू वंस यू आर फुल प्रिपेयर्ड। अगर प्रिपेयर्ड है सेम डे आप डेमो डे के आएंगे तो रिजल्ट जल्दी आता है आपका, लेकिन अगर प्रिपेयर्ड नहीं है तो कोशिश कीजिए, टाइम लीजिए, प्रैक्टिस करिए, प्रिपरेशन करिए, एंड देन फाइनली ट्राई टू अटेम्प्ट योर डेमो एंड इंटरव्यू। जो ये वॉक इन ड्राइव हो रही है ये हो रही है नागपुर लोकेशन में। जो टाइम होने वाला है यहाँ पे दैट इज 10 AM to 4 PM एंड डेट्स है 15th and 16th of June। जो लोकेशन है आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, आपको इस लोकेशन पे जाना है और जाके इस ड्राइव को अटेंड करना है। एज यू नो आकाश बायजूस में जनरली कोई गूगल फॉर्म नहीं होता है, इफ यू वॉन्ट टू अटेंड दिस ड्राइव उसके लिए आपको कोई गूगल फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बस ऑन टाइम ऑन डेट आप वॉक इन ड्राइव के स्पॉट पे पहुंच जाइए। जब उस स्पॉट पे पहुंच जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी ये ड्राइव हो जाएगी वॉक इन वाली, एंड आपको वहां टेस्ट दे के मौके मिलेंगे, दिल आस्क यू फॉर डेमो एंड इंटरव्यूज। एज आई ऑलरेडी मेंशन प्रिपरेशन है तो अटेम्प्ट कीजिए, अगर प्रिपरेशन नहीं है टेक योर टाइम, एंड आफ्टर टेकिंग योर टाइम प्रिपरेशन पूरी करने के बाद 1 वीक लेके आप डेमो और इंटरव्यूज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइज एज आई ऑलवेज से वॉकिंग से बड़ा लर्निंग कुछ नहीं हो सकता है। अगर पॉसिबल है आप अगल बगल कहीं रहते हैं महाराष्ट्र में और आप नागपुर जा सकते हैं इस ड्राइव के लिए तो प्लीज जाइए और ड्राइव दीजिए, बट अगर आपके लिए मजबूरी है
और आप नहीं जा सकते हैं किसी भी रीजन से, तो आपको पता है कि मेहता वॉइस की फैमिली और हम सब आपके लिए आपकी लोकेशन से वॉक इन ड्राइव अरेंज कर सकते हैं, नॉट ऑन दैट डे ओनली, कभी भी, बिकॉज वी हैव कॉन्टैक्ट कनेक्शंस, अभी हायरिंग चल रही है, तो इन स्पॉट्स पे वेन एवर यू वॉन्ट टू अप्लाई फॉर आकाश बायजूस, आप किसी भी लोकेशन में है पूरी इंडिया में, तो मैं वहां से आपके होम टाउन से आपकी होम प्लेस से आपके लिए ड्राइव अरेंज कर सकता हूँ। आप सिंपली हमको व्हाट्सएप कर दीजिए दैट यू वॉन्ट टू अटेम्प्ट फॉर आकाश बायजूस और मैं आपको प्रोसेस पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, प्रिपरेशन करवा दूंगा आपकी, देन आई विल हेल्प यू टू अप्लाई फॉर आकाश बायजूस। हम बात करेंगे वीडियो में आगे कि कैसे अप्रोच करना है, क्या करना पड़ेगा, बट पहले टाइम हो गया है टू डिस्कस अबाउट सेकेंड जॉब की अपडेट जो आपके लिए बहुत बड़ी है और बहुत खास है। उस जॉब के अंदर खुद दो जॉब की अपडेट्स है, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा इफ यू वॉन्ट टू अप्लाई फॉर दिस आपको क्या करना पड़ेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एडटेक कंपनी रेजोनेंस की। रेजोनेंस आप सबके लिए एक ड्राइव लेके आया है, एक ऑप्शन लेके आया है जिसमें आप सब अटेम्प्ट ले सकते हैं। अटेम्प्ट कैसे करना है वो हम ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। सो गाइज, एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, इफ यू वॉन्ट टू अटेम्प्ट फॉर रेजोनेंस तो यहाँ पे आपके लिए दो ऑप्शन है। पहला, दे आर लुकिंग फॉर एकेडमिक प्रोफेशनल फॉर फिजिक्स जेई एडवांस डिविजन। इफ यू वॉन्ट टू अप्लाई फॉर फिजिक्स सब्जेक्ट तो ये आपके लिए काफी अच्छा मौका है, जहां पे जेई एडवांस डिविजन के लिए ये आपको हायर कर रहे हैं। बट सेकेंड, इफ यू वॉन्ट टू अप्लाई फॉर प्री फाउंडेशन दैट इज क्लास 5 टू क्लास 10th तो आप सबको सेकेंड लिंक पे क्लिक करना है। यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले यू विल सी एडवर्टीजमेंट्स कि बेसिकली ये चीजें कैसी हैं, मैं आपको उसका एक छोटा सा ग्लिम्स, एक छोटा सा आपको ब्रीफ दिखा रहा हूँ इस वीडियो में, ताकि यू कैन अंडरस्टैंड कि ये दिखता कैसा है, इफ यू वॉन्ट टू अप्लाई फॉर इट आपको क्या करना पड़ेगा। पहले हम देखते हैं, इफ यू वॉन्ट टू अप्लाई फॉर रेजोनेंस प्री नर्चर यानी प्री फाउंडेशन क्लास 5th टू क्लास 10th, यहाँ पे अर्जेंट हायरिंग हो रही है। यहाँ पे सब्जेक्ट्स है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश एंड SST, मतलब आप सबके लिए, आप सब फैकल्टीज के लिए एक अच्छा मौका है, सब्जेक्ट सारे हैं। इफ यू वॉन्ट टू अप्लाई आप डेफिनेटली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो स्किल्स मांग रहे हैं ये आपसे, स्किल्स शुड बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, थोड़ी इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज दे प्रेफर फैकल्टी जिनकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी होती है। देन यू शुड हैव एक्सीलेंट नॉलेज अबाउट सब्जेक्ट जो आप पढ़ाने वाले हैं वहाँ पे, शुड हैव एक्सपर्टीज इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क ऑफ स्टडी मटेरियल जो आप वहाँ बनाते हैं एंड बच्चों को वहाँ क्लासेस में देते हैं। देन यू शुड हैव गुड कमांड ऑन बोर्ड वर्क, देन यू शुड बी क्लियर इन स्पीचेस ऑफ डिलीवरिंग ऑफ लेक्चर्स। मेल फीमेल दोनों को ही ऑप्शन दिए जा रहे हैं यहाँ पे। एक्सपीरियंस यहाँ पे जो ये मांग रहे हैं दैट शुड बी मोर देन 3 years या इक्वल टू 3 years, मतलब मिनिमम 3 या 3 से ऊपर वाले ही इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट अगैन, यहाँ भी आपका होम ट्यूशन एंड लोकल कोचिंग अगर आपने पढ़ाया है तब भी आप इसके लिए अटेम्प्ट ले सकते हैं, उसमें कोई कंसर्न नहीं है। डोंट थिंक कि अगर ब्रांड नहीं है हमारे पास, ब्रांड में नहीं पढ़ाया है हमने, तो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास होम ट्यूशन का एंड लोकल कोचिंग का एक्सपीरियंस भी है तब भी ये कंसिडर करेंगे और आपको मौका देंगे। जो सैलरी की रेंज है यहाँ पे दैट इज मैंशन 3.6 लाख to 4.8 लाख, बट अगैन इट डिपेंड्स ऑन द परफॉर्मेंस, जैसा आप इंटरव्यू देंगे, डेमो देंगे, उसके बिहाफ पे सैलरी इज नेगोशिएबल, कोई कंसर्न नहीं है, बट मौका अच्छा है। क्लास 5 से क्लास 10 तक आपको 5 लाख रुपए मिल रहे हैं पर एनम, तो वो कम नहीं होते हैं। एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली आपको सैलरी में थोड़ी हाइक डेफिनेटली मिल जाएगी, बट आफ्टर द परफॉर्मेंस जो आप वहाँ देंगे इन डेमोज एंड इंटरव्यूज। नाउ जो लेवल 1 है, जो उसकी टेस्ट होने वाली है, टेस्ट इज इन कोटा लोकेशन, तो जो लोग भी सोच रहे हैं ऑनलाइन टेस्ट दे देंगे हो जाएगी, आई एम सो सॉरी, बट इसमें आपको कोटा ही जाना पड़ेगा एंड टेस्ट आपकी कोटा में ही होगी। टेस्ट की डेट है 23rd of June 2024 एंड टेस्ट का टाइम है 10 AM to 11:30 AM। ये टेस्ट जो होती है, ये टेस्ट 1.5 घंटे की होती है, बट रिपोर्टिंग टाइम इज मैक्स 9:45 बिकॉज 10 से टेस्ट शुरू हो जाती है, तो एनी हाउ यू हैव टू रिपोर्ट टिल 9:45 देयर। लेवल 2 जो डेमो होगा और इंटरव्यू होगा वो भी 23 जून को ही होगा, दे हैव मेंशन वेरी क्लियरली, सेम डे होगा। डेमो का टाइम होगा 2 PM ऑनवर्ड्स, मतलब आप बीच में ब्रेक ले सकते हैं, बट यू हैव टू रिपोर्ट अगैन टिल 1:45 वहां पे,
देन वहां पे अगेन आपका सेम डे डेमो भी होगा और इंटरव्यू भी होगा। नाउ इफ यू वॉन्ट टू अप्लाई फॉर दिस, बगल में आपको एक QR कोड दिख रहा होगा, इस QR कोड को स्कैन कर लो। जैसे आप ये QR कोड स्कैन करोगे आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, इफ यू आर रजिस्टर्ड मेंबर फॉर रेजोनेंस या आप न्यू मेंबर हो। अगर आप न्यू मेंबर हो तो उस पर क्लिक करके एक सिंपल सा फॉर्म खुलता है इनका, जिसमें आपसे वो बेसिक डिटेल्स मांगते हैं, आपका नाम, क्वालिफिकेशन, जेंडर एंड एवरीथिंग वो मांगते हैं आपसे, उसको आप फिल कर दो। बस वो फिल करना ही आपके लिए रजिस्ट्रेशन का काम करेगा। एंड इसके बिहाफ पे आप यहाँ पे जा करके 23rd of June को आप जा करके अपना टेस्ट लिख सकते हैं, बट लोकेशन अगेन इज कोटा, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड, लोकेशन बिल्कुल सेम है, कोटा ही है, यहाँ पे ऑनलाइन के ऑप्शन ये नहीं दे रहे हैं आपको। लास्ट डेट टू अप्लाई इज टिल 21st of June, तो आपसे रिक्वेस्ट है 21st June से पहले पहले इस जॉब के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। नाउ वी आर लुकिंग फॉर सेकेंड जॉब की अपडेट, इफ यू वॉन्ट टू अप्लाई फॉर फिजिक्स JEE तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा एंड वॉट ऑल थिंग्स यू हैव टू टेक केयर। फर्स्ट थिंग इज, ये पोजिशन सिर्फ फिजिक्स फैकल्टीज के लिए ही है और JEE पोजिशन के लिए ही है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है यहाँ पे, जो स्किल्स है वो ऑलमोस्ट सेम है, जो प्री फाउंडेशन की है वो सेम स्किल्स आपको यहाँ भी फॉलो करनी है। प्रेफरेंस दोनों को दी जाएगी, मेल्स को भी और फीमेल्स को भी, बट जो ये एक्सपीरियंस मांग रहे हैं आपसे दैट शुड बी 5+ years इन एजुकेशन इंडस्ट्री। और आप अगर किसी IIT से हैं, NIT से हैं तो प्रेफरेंस मिलेगी, बट ऐसा नहीं है, अगर आप IIT से नहीं बिलोंग करते हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप IIT से बिलोंग करते हैं या NIT से बिलोंग करते हैं तो आपको एक प्रायोरिटी मिलती है, एक प्रेफरेंस मिलती है। बट अगेन, अगर आपका कॉलेज बहुत नामी गिनामी नहीं था, नॉर्मल कॉलेज था आपका, तब भी चल जाएगा, आपकी स्किल्स मैटर करती है और वो देखी जाती है वहाँ पे। जो पैकेज है वो बहुत ही शानदार है, 20 से 25 लाख का पैकेज है, जो कि बहुत बड़ा पैकेज है आप सबके लिए। इफ़ यू आर एक्सपीरियंस इन 5+ years इन फिजिक्स सब्जेक्ट तो फॉर श्योर आपके लिए एक अच्छा मौका है, एक अच्छी कंपनी, एक अच्छा पैकेज मिलने वाला है आपको यहाँ पे। इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए आपको रजिस्टर करना है ऑनलाइन, जो बगल में QR कोड दिख रहा है इस QR कोड को स्कैन करके रजिस्ट्रेशन करना है आपको। रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है दैट इज बिफोर 20th of June। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो प्री नर्सरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनकी लास्ट डेट 21st तक की है, बट इफ़ यू वॉन्ट टू अप्लाई फॉर फिजिक्स फैकल्टी आपकी लास्ट डेट 28 तक की है, और यहाँ पे आपको 6 PM से पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म फॉर रिक्रूटमेंट प्रोसेस थ्रू मेल, चांसेस हाई है कि इसकी जो टेस्ट होगी वो ऑनलाइन ही हो जाएगी, तो आपके लिए कन्फ्यूजन नहीं है। प्री नर्चर के लिए यू हैव टू गो टू कोटा, इफ़ यू वॉन्ट टू अप्लाई फॉर फिजिक्स फैकल्टी तो कोटा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादातर चांसेस है कि आपको ये मेल करेंगे, टेस्ट लिंक देंगे और टेस्ट वगैरह आपकी मोस्ट प्रोबेबली आपकी लोकेशन से हो जाएगी। सो गाइज, दो बड़े मौके हैं आपके पास, आकाश बायजूस और रेजोनेंस। अगर आप महाराष्ट्र के आसपास है तो डू अटेंड द वॉक इन ड्राइव फॉर आकाश बायजूस। अगर आप नहीं जा सकते हैं, आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है रेजोनेंस कोटा। कोटा में जाकर के आपको यहाँ टेस्ट देनी पड़ेगी और फिजिक्स फैकल्टी के लिए आपकी टेस्ट आपके घर से होने वाली है। सो गाइज, डोंट वेस्ट एनी फर्दर टाइम, बहुत सिंपल फॉर्म है, वंस यू रजिस्टर इन द रेजिडेंस पोर्टल एक सिंपल सा फॉर्म खुलेगा, वो भरना है आपको। वंस यू फिल दैट फॉर्म आपका जो इनिशियल स्टेप है वो वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइज, एज आई ऑलवेज से, बहुत हाई टाइम चल रहा है, जून इज अ बेस्ट मंथ फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, जो लोग भी जॉब सीकर्स हैं, जो जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। बिकॉज बहुत लोग मुझे बोलते हैं सर ऑप्शंस कहाँ मिल रहे हैं, आप देखो ना यार, जून के फर्स्ट वीक से ही आपको इतने ऑप्शंस मिले, पहले LN का मिला, फिर आकाश का मिला, नाउ अगेन आकाश का मिल रहा है, एक ऑप्शन मिल रहा है आपको रेजोनेंस का। ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो जून में मिड जुलाई तक भी ऑप्शंस लेके आएंगी, तो अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो प्लीज स्टार्ट टू अप्लाई नाउ, काफ़ी बेहतरीन मौका है, अच्छे पैकेजेस हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है जो आपको अच्छे ऑप्शंस देगी। सो इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर दिस, अब मत सोचिए, अब मत रुकिए, जस्ट ट्राई एंड अप्लाई एज सून एज पॉसिबल। सो गाइज, एज आई मेंशन, जो आकाश की वॉक इन ड्राइव में नहीं जा सकते हैं किसी भी रीजन से, कुछ पर्सनल रीजंस होंगे, कुछ कमिटमेंट्स होंगी अपनी खुद की, पर आप जा नहीं सकते हैं, इफ यू कांट गो इन द वॉक इन ड्राइव, आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, हमारे पास ऑप्शन है, कॉन्टैक्ट है विद द HRs, मैं कोशिश करूंगा आपकी ड्राइव आपके घर से, आपकी होम लोकेशन से आपके लिए अरेंज कर दूं, नॉट ऑन दैट वेरी डे, कभी भी, व्हेनेवर यू वांट,
आप प्रैक्टिस कर लो हमारे साथ, हम प्रिपरेशन वगैरह करवाते हैं। एज यू नो 4 राउंड होते हैं एडटेक में, रिटन टेस्ट, डेमो, इंटरव्यू एंड एचआर राउंड। टेस्ट के लिए जो टेस्ट पहले हो चुकी है उसके आपको हम नोट्स देते हैं, कंटेंट देते हैं। कंटेंट दो तरह के होते हैं हमारे पास, पहला होता है थ्योरेटिकल कंटेंट जहाँ थ्योरेटिकल नोट्स सारे दिए गए रहते हैं, और दूसरा होता है एमसीक्यू क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन वहां पे आने वाले हैं टेस्ट में वैसे क्वेश्चन आपको हम देंगे, आप उसकी प्रैक्टिस कर लो। 90% क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं बिकॉज क्वेश्चन का एक सेट पैटर्न है, तो पैटर्न रोज चेंज नहीं होता है। तो इफ यू वॉन्ट टू प्रैक्टिस, हमसे आप पेपर्स ले लो टेस्ट के, पेपर्स को सॉल्व करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, जहां डिफिकल्टी आती है हमसे पूछिए, हमसे हेल्प लीजिए, बट ट्राई टू सॉल्व द कंप्लीट पेपर। जब आप टेस्ट देने वहां जाएंगे ऑलमोस्ट जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको हमारे नोट्स में से मिल जाएंगे बिकॉज क्वेश्चंस रिपीट काफी होते हैं। सेकेंड स्टेप इज डेमो। डेमो की प्रैक्टिस के लिए हमारे यहाँ डेमो सेशंस चलते हैं जहां आपको हम सिखाते हैं हाउ टू मेक अ डेमो, बिकॉज डेमोज में कोचिंग की अपनी सेट गाइडलाइंस होती है, हाउ यू हैव टू स्टार्ट, हाउ यू हैव टू एंड, क्या क्या बोलना है, कब क्या बोलना है, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स लगानी है, वो आपको हमारे सेशन में सिखाते हैं, जिससे यू विल हैव अ आइडिया कि मुझे प्रेजेंट कैसे करना है। जो लोग डरते हैं कैमरे के सामने बोलने से, हेजिटेट करते हैं, उन सब के लिए फेयर चांस है लर्निंग का। आपका काम है हमको सुनना, हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स नोट करना, एक वीडियो बनाना, वीडियो बना के हमको दिखाना। आपका वीडियो हम पर्सनली चेक करेंगे, उसको हम रिव्यू करेंगे, उसमें क्या पॉजिटिव्स क्या नेगेटिव्स हैं, जहां जहां इंप्रूवमेंट का स्कोप है वहां वहां आपके हम इंप्रूवमेंट करवाएंगे। वी बिलीव जो गलती आपसे डेमोज में हो रही है वो यहीं पे हमारे सामने कर लो और उसको इम्प्रूव भी कर लो, ताकि बाद में जाके आपसे मिस्टेक्स ना हो और अपने डेमो को अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर सके। एज आई ऑलवेज से, डेमो कंसिस्ट ऑफ 50% वेटेज इन द इंटरव्यू। अगर पूरा इंटरव्यू 100 मार्क्स का है तो 50 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ डेमो से ही जाने वाले हैं। तो डेमो के लिए यू हैव टू गिव योर बेस्ट। हर चीज दिखती है वहां पे, आपके एक्सप्रेशंस, आपका जेस्चर, आपके टीचिंग स्टाइल्स, तो ट्राई टू इम्प्रूव दोस, ताकि वहां आपसे कोई गलती, कोई मिस्टेक की गुंजाइश बिल्कुल 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 भी ना हो। डेमो के टॉपिक्स आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, उस लिस्ट में से यू कैन चूज एनी टॉपिक एज पर योर चॉइस। ये लिस्ट जो आपको हम देते हैं ये हमको मिलती है कोचिंग से, जो सेट टॉपिक्स है उनके वही लिस्ट मिलती है हमको। इसमें से यू कैन प्रेफर और चूज एनी प्रेफर्ड टॉपिक ऑफ योर चॉइस। और डेमो की प्रैक्टिस हम कम से कम 4 से 5 बार जरूर करवाते हैं आपकी। एक फ्लुएंसी आने में टाइम लगता है, फ्लुएंसी एक बार में कभी नहीं आती है। दैट इज वाई वी मेक यू प्रैक्टिस एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स फॉर डेमो। डेमो के बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है दैट इज योर इंटरव्यू। अब इंटरव्यू की प्रैक्टिस के लिए हमारे यहाँ मॉक इंटरव्यू होते हैं जूम कॉल पे, 1 घंटे का सेशन होगा वीडियो कॉल पे। एक तरफ वीडियो कॉल पे आप रहेंगे, एक तरफ हम किसी कोचिंग के एक्सपर्ट को बुलवाएंगे जो 10-12 साल से इस फील्ड में है, जिसको आइडिया है कि क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, वो आपकी सारी गलतियाँ सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने में आपकी हेल्प करेगा, और जो वीक एरियाज है, आपके वीक पॉइंट्स है, उसको इम्प्रूव करवाने में वो आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। जहाँ भी आपसे मिस्टेक्स हो रही है इंटरव्यूज में, जनरली ऐसा होता है अगर हम फ्रेशर्स हैं, हमने इंटरव्यूज कम दिए हैं, हम डरते हैं, हिचकते हैं, हेजिटेट करते हैं इंटरव्यूज देने में, बट वो हेजिटेशन हमको बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट दिलाती है हमारे इंटरव्यूज में। सो कोशिश करिए मॉक में आके, मॉक ज्वाइन करके अपना वो डर, वो हेजिटेशन, वो फियर दूर कर दीजिए, ताकि जब आप वहां पे जाए इंटरव्यूज देने के लिए तो आपसे कोई गलती ना हो, हेजिटेशन बिल्कुल भी ना हो, अपना बेस्ट दे के आ सके। आपका मॉक भी कम से कम 2 से 3 बार हम करवाते हैं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल खुल सके, आपसे कोई गलतियां ना हो, आपसे कोई मिस्टेक्स ना हो, और आप वहां पे जाके अपना बेस्ट दे सके। तो मॉक का फायदा यही होता है आपको कि मॉक से यू लर्न अ लॉट, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, कहां यू हैव टू वर्क हार्ड, दीज ऑल थिंग्स मॉक कैन टीच यू। मेरे काफी कैंडिडेट्स बोलते हैं सर जब हम मॉक करके जाते हैं वहां पे तो वहां हमको ऐसा फील होता है हम एक और मॉक दे रहे हैं। इट्स नॉट लाइक कि प्रेशर बिल्डअप होता है हमारे माइंड पे कि इंटरव्यूज है, इंटरव्यूअर क्या सोचेगा, क्या बोलेगा। हमें ऐसा लगता है हमने प्रैक्टिस की हुई है, हमने मॉक दिए हुए, आज हमारा एक और मॉक है, तो ऑटोमेटिकली प्रेशर जो होता है आपके माइंड पे दैट गेट्स रिलीज, आपको रिलैक्सेशन मिलता है, आप अपने इंटरव्यूज में दी बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए भी आपको हम 2 PDF देंगे, उसमें 200 क्वेश्चन होंगे, सब लेटेस्ट क्वेश्चन होंगे, उसको आप पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। जब भी आपका इंटरव्यू होगा मेरा दावा है इन 200 क्वेश्चन से बाहर कहीं से कुछ नहीं आएगा, जो भी आएगा यहीं से आएगा, इसको आप पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, मेजॉरिटी क्वेश्चन आपको लगभग इस टाइप के ही मिलने वाले हैं आपके इंटरव्यूज में। सो गाइज अब देर मत कीजिए, यू हैव 2 big options, आई हैव पोस्टेड एवरीथिंग इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आकाश बायजूस की डिटेल्स,
रेजोनेंस की डिटेल्स, क्या अप्लाई लिंक है, कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ मिलेगा आपको वहां पे। प्लीज चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पे लिंक को क्लिक कीजिए और क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जब भी आपको इस ड्राइव पे जाना हो उसके पहले आपके पास एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो कि आपने प्रोसीजर फॉलो किया है, फॉर्म भरा है, नाउ यू आर गोइंग फॉर द ड्राइव या जो भी वॉकिंग्स हो रही है जिस भी लोकेशन में। इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन मेहता वॉइस फैमिली फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड ट्रेनिंग, उसके चार बेसिक मेथड्स हैं। एक व्हाट्सएप नंबर है जो स्क्रीन पे इस टाइम फ्लैश हो रहा होगा, हमको व्हाट्सएप कर दीजिए, माई टीम विल गेट बैक टू यू फॉर ऑल योर डाउट्स एंड क्वेरीज। दूसरा एक टेलीग्राम चैनल है हमारा जो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें एवरी डे वी पोस्ट न्यू जॉब की अपडेट्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको आप क्लिक करिए, उस चैनल को आप ज्वाइन करिए, एवरी डे यू कैन चेक न्यू अपडेट्स ऑन दैट चैनल। तीसरा ऑन योर रिक्वेस्ट वी हैव जस्ट क्रिएटेड अ व्हाट्सएप चैनल जो आपके लिए काफ़ी हैंडी होगा, वहाँ पे यू गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन। अगर शाम की ड्राइव भी है सुबह आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ताकि यू कैन इवन अटेंड द ड्राइव ऑन द सेम डे, द सेम वेरी डे जब वो ड्राइव हो रही होती है। उसकी लिंक भी आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दी गई है। और चौथा एक सिंपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म है हमारा, गूगल फॉर्म है हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस फॉर्म को आप फिलअप कर दो, मैं पर्सनली या मेरी टीम पर्सनली कॉल करेगी आपको, आपसे कनेक्ट करेगी, और जो भी आपको हेल्प चाहिए पूरे प्रोसेस में मेरी टीम हेल्प करेगी टू गेट आइडिया अबाउट एवरी सिंगल थिंग। सो गाइज प्लीज डोंट वेस्ट दिस टाइम, इफ यू वॉन्ट टू बिल्ड योर करियर इन दिस एडटेक इंडस्ट्री, ट्रस्ट मी दिस इज द बेस्ट टाइम टू बिल्ड योर करियर। सो अभी तक अगर आपने नहीं स्टार्ट किया है प्रिपेयर करना, प्रैक्टिस करना, अप्लाई करना, इट्स हाई टाइम नाउ, प्लीज स्टार्ट योर प्रिपरेशन, प्लीज स्टार्ट योर प्रैक्टिस, ताकि जब भी आपका इंटरव्यू हो आप दी बेस्ट दे सके, आप दी बेस्ट कर सके, और अपने पूरी स्किल्स और कैलिबर्स के साथ एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, एक बड़ा ब्रांड ज्वाइन कर सके। आई एम विथ यू, आई एम सपोर्टिंग यू, आपसे बस रिक्वेस्ट करता हूँ आप एफर्ट्स करिए, आप मेहनत करिए, अगर आप एफर्ट्स डालते हैं, मेहनत करते हैं, ट्रस्ट मी आई एम ऑलवेज देयर विथ यू। सबसे अच्छी बात, हमारा प्लान जो आपको हम प्रोवाइड करते हैं दैट इज वैलिड फॉर लाइफ टाइम, उसकी एक्सपायरी वगैरह कुछ नहीं होती है। जब तक जॉब नहीं लगती है आपको कुछ भी चार्ज पे नहीं करना होता है, सिवाय एक रजिस्ट्रेशन फीस का जो आपसे हम वन टाइम लेते हैं 1999 जो आपसे हम चार्ज करते हैं पूरे प्रोसेस का, उसके अलावा आपसे हम कुछ चार्ज नहीं करते। व्हेनेवर इन लाइफ यू वांट माय हेल्प इन स्विचिंग योर जॉब, मैं आपको हमेशा आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर फ्री ऑफ कॉस्ट में हेल्प करूंगा, और जो भी बेनिफिट्स चाहिए आपको मैं आपको दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारा एडिशनल कोई चार्ज नहीं है। वी ओनली हैव वन टाइम ट्रेनिंग फीस हमारे एफर्ट्स के लिए, जो बहुत नॉमिनल रखी है आपके लिए, इसको आप अफोर्ड भी कर सकते हैं, जिसमें आप ट्रेनिंग भी ले सकते हैं और अपना ड्रीम जॉब जल्द से जल्द सिक्योर कर सकते हैं। सो गाइज हरी अप, फिल द फॉर्म, ज्वाइन मेहता वॉइस फैमिली एंड स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम टुडे, फ्रॉम दिस मोमेंट। अगला मोमेंट क्या होगा किसी को नहीं पता, सो स्टार्ट फ्रॉम टुडे। अभी ये ड्राइव है और भी बहुत सी ड्राइव आने वाली है अभी इस जून में, जुलाई में, तो प्रैक्टिस अगर आप कर लोगे हमारे साथ, टेस्ट की, डेमोज की, इंटरव्यूज की, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ऑल द ड्राइव्स। बाकी हम जल्द मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में विथ सम न्यू कंटेंट, टिल दैट टाइम जस्ट लाइक आर वीडियो, सब्सक्राइब आर चैनल एंड प्लीज डू कीप सपोर्टिंग अस लाइक दिस, ताकि आपके लिए हम और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें और आपका ड्रीम जॉब सिक्योर करने में आपकी हेल्प करते रहें। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।